ऊना में स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रदेश कुश्ती संघ द्वारा राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा ने किया। वहीं कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राणा भी प्रतियोगिता में विशेष रूप से उपस्थित रही। इस कुश्ती प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 100 से ज्यादा पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठा रही है, ताकि खिलाड़ियों को खेलने के लिए अच्छा माहौल मिल सके, जिससे खिलाड़ियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। तो खेलों के प्रति जो है हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो नीति है वो बहुत स्पष्ट है कि खेलों को बढ़ावा देना है, बच्चों को हर फील्ड में आगे लाया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके, जिसमें जो बच्चे हैं अलग अलग ये स्टेट चैम्पियनशिप है जहाँ से नेशनल के लिए बच्चे जो है वो आगे लेके जाएंगे। और मैंने इनसे बातचीत भी की कि जो बच्चे एक्चुअल में सही तरीके से जो आगे आने वाले हैं उनके ऊपर दाव खेलें, ताकि हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो मेडल आ सके और हिमाचल प्रदेश के बच्चे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सके। यही हमारी सोच है, यही हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। धन्यवाद। वहीं हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष कुलदीप राणा ने कहा कि कुश्ती संघ द्वारा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है और इसी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी खेलों के साथ जुड़कर नशे जैसी कुरीतियों से दूर रह सकती है। सबसे पहले तो मैं कुलदीप राणा, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश रेसलिंग एसोसिएशन, सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ जो ये हमारी आज राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता ओपन जो हो रही है, ये आज यहां पे होगी। इसके बाद जो नेशनल टीम जाएगी उसका सारा चुनाव यहीं किया जाएगा और इससे आगे वो आगे जैसे भी रहेगा वहां खेलने जाएंगे। और दूसरा नंबर ऐसा है कि हर जगह अलग अलग जगह, तो इससे पहले हमने जूनियर सब जूनियर नालागढ़ करवाई, तो आज हमने ये ऊना में सीनियर करवाई, ऐसे रहेगी। तो हर ज़िले में हम जैसे जैसे कंपटीशन आता जाएगा ऐसे पूरे हिमाचल में ये राज्य स्तरीय कुश्ती को बढ़ावा देंगे और इसको करवाएंगे। तो कितने खिलाड़ियों ने और कितने वर्ग जो है वो यहाँ पर आयोजित? इस सीनियर में लगभग 120 के करीब हो जाएंगे बच्चे, जिसमें फ्री स्टाइल, ग्रीको और बॉयज और लड़के ग्रीको वूमेन, इनके सबके करवाएंगे। यूथ को क्या संदेश रहेगा इस खेलों के? खेलों से जुड़े रहें यूथ। अगर अदर डिस्ट्रिक्टों में हम हर जगह करवाएंगे तो इससे एक तो यूथ जुड़ा रहेगा और नशों से दूर रहेगा, और जो आजकल कुरीतियाँ चल पड़ी है नशे की, उसकी भांतियों से दूर रहेंगे। और एक आज के टाइम में एक प्रोफेशनली हो गया है गेम, तो जिस भी गेम में खेलें तो आजकल प्रोफेशनल है कि उनको जॉब के रहते हैं, एक अपने फिटनेस पे रहते हैं और एनवायरमेंट ठीक। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।